मेरी छोरियों की बातें मने समझ में आ रही है। दुनिया की बातें एक कान से सुननी चाहिए और दूसरे से निकालनी चाहिए। ना बेटियों के मुंह में इतना अंधा क्यों हो रहा है तू धर्मपाल? तुझे क्या लगता है इस्तीफे की धमकी देके तू मनमानी कर लेगा? पापा, आपने रिजाइन कर दिया? पर क्यों? आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो। अपनी दुकान है, अपनी मर्जी। हाँ पापा, और ये हाथी बाजार वाले तो पहले भी बोलते थे, आगे भी बोलेंगे। आपको इनका प्रेशर लेने की कोई जरूरत ना है। ना कौन किस पे प्रेशर डाल रहा है भाई? ना याद रखना, अग्नि अभी भी प्रेजेंट है इधर। ना धर्मपाल जी, आपको कोई प्रॉब्लम है मन ने बताओ। ना अग्नि को इसकी अमानत सौंप देता हूँ। कब से मेरी रेड पीट रखी भाई साहब ने। ना भाई साहब पे कोई प्रेशर ना डाल रहे, ये तो भाई साहब का अपना खुद का फैसला है। अपना फैसला? पर क्यों पापा? प्रेसिडेंट उसे होना चाहिए जिस पे मार्केट को भरोसा और जो उन्हीं की तरह सोचता हो। भाई, जो इंसान पब्लिक से अलग सोचता हो वो उनका लीडर कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया बेटा। और रही बात मेरी छोरियों की दुकान चलाने की, तो जैसा कि गरिमा ने कहा, मेरी दुकान मेरी मर्जी। और मेरा ये फैसला कि काटेलाल एंड सन्स मेरी दोनों छोरियां गरिमा और सुशीला चढ़ाएगी, और यही मेरा आखिरी और अंतिम फैसला है। और इस बारे में मैंने किसी से भी कोई बहस ना कर ली। इंपॉर्टेंट बात के बीच ये चाचा चाची और अग्नि कूद फांद कैसे रहे? न जिस भी कूद फांद में चाची इन्वॉल्व है ना, समझ ले उस डेंजर जोन में हम भी खड़े हैं। धर्मपाल, तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर अपने इस फैसले पे एक दिन तू बड़ा पछताएगा। अपने फैसले का अच्छा बुरा सही गलत मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ मेरे यार। मेरी छोरिया अपनी काबिलियत साबित कर देगी, तब बात सबके समझ में आ जाएगी। वैसे आज तो मेरी छोरी के उपनयन समारोह का वक्त है। वैसे मैं तो यही चाहता था चुन्नी कि तू यहां रह के मेरी छोरियों को आशीर्वाद देगा। अरे तू तो इनका चाचा है ना, बचपन से बड़ा होते देखा है इन्हें। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ उपनयन समारोह में तू पांचवा मर्द बन के विधिवत अपने बाल कटाए। वैसे भी हम पांचवें मर्द को ढूंढ ही रहे थे। अब तक बहुत साथ दिया धर्मपाल तेरा, अब ना दे पाऊंगा। अरे जिन छोरियों के समारोह के लिए पांच आदमी इकट्ठे नहीं हो पा रहे वो सलून क्या चलाएंगी? खैर, पूजा तो तेरी चार आदमियों से भी हो जाएगी, पर धर्मपाल हाथी बाजार में तेरा और तेरी छोरियों का हमारे से सामना जरूर होगा। चल सक पर। ओए, ऐसे कैसे धमकी देके जा रहे हो, और वो भी पापा के सामने? ना 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 ना, झगड़ा नहीं बेटा, आज पूजा का दिन है, तुम लोग मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। पंडित जी वेट कर रहे, पूजा का समय निकला जा रहा है। लोगों में से किसी को यहाँ रुक के आशीर्वाद देना है छोरियों को तो ठीक है, नहीं तो अपना और हमारा समय व्यर्थ ना करे। हम भी देखते हैं कैसे तेरी छोरियाँ हाथी बाजार में सैलून चलाती हैं। चल रहे चुन्नी। चल।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.